लगा हूँ। मैं सीता हूँ, मैं सड़क पर भीख मांगती हूँ, मैं उसी बार एक अमीर फैमिली घर में काम करती हूँ। मैं चुनरू, मैं पटाखे की फैक्ट्री में काम करता हूँ। भारत, इस देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा होते प्रतीत होता है। चलिए आइए देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम, मिलकर करते हैं कुछ काम। रघुपति राघव राजा राम, मिलकर करते हैं कुछ काम। रघुपति राघव राजा राम, मिलकर करते हैं कुछ काम। बात कर रहा है। अरे हमारी छगनिया बनेगी पायलट। ये छगनिया ये पायलट बनेगी। बनेगी बनेगी। चुप बोल बक, चल तुझे सेठ जी के आने चलते हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना, बापू हमें पढ़ रहे हैं। बापू नहीं, क्या होगा इस देश का। चल बापू छगनिया। अरे तुम कौन हो? हम लल्लन हैं। लल्लन? अच्छा लल्लन, कैसे आना हुआ? लेकिन आप कहे थे ना कि आपको अपने घर में झाड़ू पोछा के लिए एक लड़की चाहिए। हाँ कहा तो था। तो लाए है ना लड़की? कहाँ है? ये तो रही हमारी बिटिया छगनिया। ये तो छोटी बच्ची है बेटा, तुम्हारी उम्र क्या है? 10 साल। 10 साल? अरे चुप, है 10 साल की, लेकिन बहुत बढ़िया पोछा लगाती है। अरे इस खेलने कूदने की उम्र में तुमने इसके हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ा दिया, क्या तुम्हें पता नहीं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध है। अरे जाओ, इसका दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाओ, और जो बनना चाहती है बनने दो। सेठ जी हमें माफ कर दीजिए। शिक्षा है इनका अधिकार, जीवन करो इनका साकार। शिक्षा है इनका अधिकार, जीवन करो इनका साकार। बैनर उनको कौन आगे ले रहा? बैनर आगे ले रहा? बैनर बहुत ही लड़कियां इस देश में अपने मां-बाप द्वारा किसी देश के घर में काम कराई जाती है। अरे ये काम करेगा अभी? अरे जरूर करेगा, मेरा बच्चा मेरा। अरे मुझे पूरा काम चाहिए 2 दिन में। अरे 2 दिन में करके देगा, 2 दिन में। चल ठीक है, रखा इसको, अगले हफ्ते आऊंगा पेमेंट और बच्चे लेकर चले जाना। तैयार रहेगी। चल बाय सलाम। 2 दिन बाद जल्दी जल्दी काम कर वरना सेठ आ जाएगा। बच्चों के संग दुर्व्यवहार, बंद करो ये अत्याचार। रघुपति राघव राजा राम, मिलकर करते हैं कुछ काम। रघुपति राघव राजा राम, मिलकर करते हैं कुछ काम। रघुपति राघव राजा राम, मिलकर करते हैं कुछ काम। शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत अच्छा आता है। कुछ काम काम करता है नहीं? अरे ये बच्चा तो बिल्कुल सही था, इसके हाथ पांव को क्या हुआ? अरे वाह, इतने सारे पैसे, ऐसे तो मैं कुछ दिनों में लखपति हो जाऊंगा, लखपति। अरे अरे देखो देखो, यही है वो दानव जिसने पैसे कमाने के लिए इसके हाथ पांव काट दिए। हाँ हाँ, इसे तो जरूर सजा होनी चाहिए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जिन बच्चों को हम इस भारत देश का भविष्य मानते हैं, क्या यही है इस भारत देश का भविष्य? इनसे जबरदस्ती काम करवाना, इनके हाथ पांव काटकर इनसे भीख मंगवाना, अपनी दिवाली रोशन करने के लिए इनके हाथों से पटाखे बनवाना, क्या भारत का भविष्य इसी तरह अंधकार में रहेगा? नहीं, हमें अपने देश के भविष्य की रक्षा करनी है, इन मासूमों की मुस्कुराहट को वापस लाना है।
इनका अधिकार वापस दिलाना है, इनके बचपन को उज्जवल बनाना है। इसके लिए हम सबको साथ मिलकर कदम बढ़ाना है। हाँ, हाँ,